जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र विक्रम सिंह। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, लगातार सीएन 1/2018 के जो तमाम एलपी टेक्नीशियन के मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, जो आप लोगों ने 4 साल मेहनत किया है, उसका परिणाम अब आप लोगों को धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है। और आज आप लोग देख रहे होंगे, ये RRB बिलासपुर बोर्ड से, ये देखिए आप, अलॉटेड जो जोनल रेलवे है वो SECR, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का जो कैटेगरी नंबर 1 है उसमें 4, उसके बाद टेक्नीशियन Grade 3 डीजल मैकेनिकल इसमें 1, फिर इलेक्ट्रिकल TRD 51 नंबर कैटेगरी उसमें 1, फिर आपका 94 नंबर कैटेगरी में 1, फिर 134 SNT ट्रेड में 3, फिर आपका 136 में 1, यानी कि ओवरऑल 11 लड़का का वेटिंग क्लियर हुआ है। और इसका जो कटअप दिया है, आप कटअप देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर 1 SCR, UR का 70.81405, SC का 60.48520, OBC का 68.88955, फिर आपका 34 नंबर कैटेगरी, 51 नंबर, 94 नंबर, 134 नंबर, 136 नंबर। तो इस तरह से धीरे धीरे आ रहा है, सभी बोर्ड का जिसका भी डिमांड हुआ है उसका आएगा, और ALP का ओवरऑल ऑल वेटिंग क्लियर होगा। और आप लोग जो छात्र 3-4 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं, कल हम लोगों ने एक मेल का रखा था कि जो सांसद कमिटी मेंबर 28 तारीख को रेलवे का से वैकेंसी से रिलेटेड जो मीटिंग चल रही है उसके लिए हमने मेल किया था। आज हम लोग 10 से 12 के बीच ट्विटर कैंपेन चलाए थे, तो आप लोग उसका देखिएगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है राधा मोहन सिंह, उन्होंने भी इस मीटिंग में भाग लिया था, उनका ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। उसके बाद आप ये देखिएगा, डॉक्टर अमर सिंह RRB JEE यानी कि CN03/2018 के बारे में से रिलेटेड इन्होंने बोला है। उसके अलावा ये देखिएगा, एक को लड़के लोग जो सांसद को अपना लेटर देते थे कि सर आप ये मुद्दा रखिए, तो वो मीटिंग में जाने से पहले ये परफॉर्मा बना के लेके गए थे कि क्या क्या हमें बोलना है। उसके अलावा ये देखिए आप, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, इन्होंने भी हमारी मांगों को रखा है। उसके बाद फिर आप ये देखिए, डॉक्टर मनोज कुमार झा, जो कि बिहार के सहरसा से आते हैं, ये बात हम लोगों का बात संसद भवन में उठाए भी थे। तो इतने सारे जगह से आपकी ये बात उठ रही है और इस पर चर्चा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ समय देना होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो जो भी छात्र जिस भी बोर्ड से हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, आप अभी फ़िलहाल केस नहीं कीजिएगा, कम से कम जुलाई मंथ तक, अगस्त से फिर आपको जो करना होगा कीजिएगा। और तब तक आप लोग सांसदों से मिलते रहिए, उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमने 3-4 साल प्रयास करके कुछ बोर्ड का हुआ है, तो बाकी जो भी रिमेनिंग बोर्ड में है उसमें भी हो जाएगा। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अपने ऊपर भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, आपके लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, अगर कोई आगे का कोई किसी भी बोर्ड में पैनल आता है या कोई भी रिलेटेड कुछ इससे हमें बात पता चलती है, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।